सच जरूरी है। यह है मेनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनेस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बारिश के पानी में कागज की तरह बह गई लग्जरी कार और फिर कैमरे में कैद हुआ प्रकृति का कहर। सोशल मीडिया पर रोजाना कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं। इनमें से कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। बता दें कि कई बार प्रकृति का कहर भी कैमरे में कैद हो जाता है। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो लोगों के दिल दहल जाते हैं और बारिश में मौसम के कई हादसे देखने को मिलते हैं। कई बार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और वह पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कागज की तरह बहती नजर आई कार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मौसम बहुत खराब है और बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसा हाल हो रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज है। तभी एक सफेद रंग की लग्जरी कार उस पानी में बहती हुई नजर आती है। कार उस पानी में ऐसे बहती जा रही है जैसे कोई कागज हो। देखते ही देखते गायब हो गई गाड़ी। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूसरी किसी कार से कोई शख्स वीडियो बना रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार तेज बहाव पानी में बहती जा रही है, लेकिन आगे जाकर वह कार पानी में पूरी तरह से डूब जाती है और देखते ही देखते वह कार आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इस वीडियो को अब तक आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी कंपनी के चेयरमैन ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा मोदी ने भारत आना आसान किया। मोदी सरकार की तारीफ से विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने पर लगातार काम किया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार FDI में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी फर्म डॉक्यूसाइन के नवनियुक्त भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष रॉबर्ट चटवानी ने कहा कि मोदी सरकार ने तकनीकी कंपनियों से FDI आकर्षित करने पर बहुत अधिक जोर दिया है। यही कारण है कि वैश्विक कंपनियों के लिए एक दशक पहले के मुकाबले भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आसान हो गया है। तकनीक को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर चटवानी ने भारत में प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में तकनीक को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर दिया। चटवानी ने बात करते हुए कहा, मेरी समझ यह है कि ये सभी कानून नरेंद्र मोदी सरकार के तहत आए हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले कई सालों के दौरान किस तरह न सिर्फ सरकार में बल्कि सभी क्षेत्रों में तकनीक को अपनाने का चलन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी बेंगलुरु में एक पूर्ण इंजीनियरिंग केंद्र और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर विवाद। विपक्ष का आरोप, बीजेपी कर रही ब्रांडिंग। प्रयागराज में माफिया के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए बेहद कम कीमत पर सस्ते आशियाने बनाए जाने के सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विवाद छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियों ने सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के भगवाकरण का गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का साफ आरोप है कि गरीबों से हमदर्दी जताने के नाम पर सरकारी खर्च पर बीजेपी की ब्रांडिंग की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आखिरकार विपक्ष को भगवा रंग से इतनी आपत्ति क्यों है। सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से माफिया अतिक अहमद का भी सीधा कनेक्शन है। संगम के शहर में सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है या विवादों में क्यों है? माफिया अतिक से इसका क्या कनेक्शन है? भगवाकरण के आरोपों पर कितनी सच्चाई है और क्यों इस प्रोजेक्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया है? क्या है पूरा मामला? प्रयागराज के पास इलाके लुकरगंज में तैयार हो रहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सपनों का प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ तमाम गरीबों को सिर्फ नाम मात्र की रकम पर उन्हें सिर छुपाने के लिए सपनों का आशियाना मुहैया कराने वाला है, बल्कि यूपी में माफियाओं का आतंक खत्म करने वाला और कानून का राज कायम होने का संदेश देने वाला भी है।
सीएम योगी ने सूबे में माफियाओं के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीब के लिए सस्ते आशियाने बनवाए जाने का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रयागराज से किए जाने का फैसला किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयागराज के लुकरगंज इलाके में माफिया अतिक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनाए जाने की शुरुआत की गई। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।